जमा भाई से मेरी पहली मुलाकात है, इससे पहले जमा भाई से मैं कभी नहीं मिला। हालांकि शायरों का बिहार के नेताओं से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, हैदर भाई भागलपुर का मुशायरा था, मेरे जैसा छोटा शायर भी उस मुशायरे का हिस्सा था। उसमें जितने भी 20 शायर मौजूद थे, 20 के 20 शायरों को लालू जी ने सेकंड एसी का विद कंपेनियन विद राजधानी शताब्दी, सेकंड एसी का 5 साल का जो स्पेशल पास होता है वो उन्होंने वहां से जारी किया था। ये मैं ये रिश्ता बता रहा हूं कि शायरों का बिहार के लोगों के साथ किस तरह का रिश्ता है। लेकिन अब सबूत पेश करता हूं। जमा भाई, आपकी शख्सियत की खूबसूरत जो बात मुझे लगी, आज तक मैंने देखा यह है कि बड़े से बड़े नेता मुशायरों की महफिलों में आते जरूर हैं, आते हैं, रिबिन काटते हैं, शमा रोशन करते हैं, माला पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, मोमेंटो लेते हैं, 10 मिनट बैठते हैं और उसके बाद कहते हैं बहुत जरूरी काम है, फौरन राजधानी पहुंचना है, और उसके बाद आधे घंटे बाद चले जाते हैं। अदब को, साहित्य को हर दौर में समाज का आईना कहा गया कि यह समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, और आईने के सामने बहुत देर तक वही बैठ सकता है जिसके दामन पर कोई दाग ना हो। यह आपकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू है कि आपने शायरों और कवियों की इस महफिल में इतनी देर तक जो शायरों और कवियों को सुना है, यह आपकी शख्सियत का सबसे बड़ा तारुफ है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं और इस मजमे से गुजारिश करता हूं, हाथ ऊपर करके मोहतरम जमा खान साहब के लिए जोरदार इस्तकबाल करें। और अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं कि अपना खिताब करें। हालांकि मुझे एक नाम इंस्पेक्टर साहब का भी दिया गया है, लेकिन आप हाँ, आज इस डुमरा नया भोजपुर में मुशायरा और कवि सम्मेलन, जिनके नाम से हो रहा है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम सबों के बड़े भाई गार्जियन मरहूम सरफराज साहब और बड़े भाई मरहूम ग्यासुद्दीन खान साहब, मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करता हूं। इस डाइज पे बैठे तमाम शायर और शायरा, मंच की सदारत करते हुए बड़े भाई रमेश जी, इस मंच पे संचालन करते हुए जिन्होंने हर शायर शायरा के बाद अपनी बात हम सब के बीच में रखने का काम कर रहे थे, हमारे बड़े भाई नदीम साहब, और इस महफिल में आज हम लोगों के बीच में मौजूद उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का दर्जा रहा, मंत्री का दर्जा रहा पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई हैदर खां टाइगर साहब। अब तमाम जो लोग अतिथि लोग आए थे, जो कुछ देर बैठे हमारे बीच से चले गए हैं, उन लोगों का भी मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। सामने ये भीड़, ये नौजवानों की भीड़, मेरे बुजुर्गों की भीड़, मेरे बच्चों की भीड़, और दाहिने साइड मेरी बहनें जो बैठी हैं, आप सबका भी मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से, हमारे साथ आ तमाम साथियों की ओर से दिल की गहराइयों स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे बड़े भाई हैदर टाइगर साहब ने बहुत कुछ आपके बीच में बात रख दिए, या राजनीति का हो, भाईचारा का हो, मोहब्बत का हो, सबने मुंह रख दिया है। जो ये लोग बैठे हैं मेहमान,
जो शायर और शायरा अपने कलाम से हम सबको जो पेश कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया है। मैं इन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बिहार की ओर से, चूंकि आपके दुआओं के बदौलत मैं बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हूं, मैं इन लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बीच में आकर अपनी बात को रखा, कलाम पेश किया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, थोड़ा मैं समय लूंगा क्योंकि आपके बॉर्डर से मैं आता हूं, सासाराम, कैमूर और शाहबाद, ये भोजपुर एक ही था कभी। मैं आपका भी बेटा हूं, आपका भाई हूं। हमारे बड़े भाई माशूक भाई ने बताया चुनाव के बारे में, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इतना जरूर कहूंगा जो ये कलाम पेश हो रहे हैं या हमारे बड़े भाई ने बात रखी है उसको अमल करने की जरूरत है, भाईचारा मोहब्बत की जरूरत है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, चूंकि मैंने छोटी उम्र में मैंने देखा है बड़े नजदीक से, बड़े मैंने तपस्या किया है, मेहनत किया है, संघर्ष किया है और संघर्ष से बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि नौजवान ज्यादा बैठे हैं, मैं नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी मंजिल को आप पहचानो, मंजिल के मुताबिक अगर आप परिश्रम करोगे, संघर्ष करोगे, कोई माई के लाल पीछे नहीं ढकेलेगा, आगे आप कामयाब हो जाओगे। उसका मैं आपके बीच में एक उदाहरण के तौर पर आपका बड़ा भाई एक खड़ा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, देश बड़ा संकट में है, देश किस दिन सही नहीं है, उससे आपको मुकाबला करना होगा सबको मिलकर। ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। आज हमारे इस डाई पे जो बैठे हैं यही एक हिंदुस्तान का खूबसूरती है। टाइगर साहब कह रहे थे ये हिंदुस्तान का अपना इतिहास है, एक तरफ घंटा बजता है, एक तरफ जाने पड़ती है। निश्चित तौर पर दुनिया देखती है, उसको कायम रखना हम सबको है। इतिहास गवाह है, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने, और किसी समाज के थे, जब भी देश के अंदर कठिनाई रही है, जब भी देश के अंदर कोई परेशानियां आई हैं, तो सब लोगों हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर लाई लड़ी है, और लाई नहीं सफलता प्राप्त हुआ है, हम सब लोग एक रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं जमा खां आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, इस बिहार के अंदर कहीं जरूरत पड़ती हो जमा खां की, निश्चित तौर पर जमा खां को याद करिएगा, जमा खां आपके बगल में नजर आएगा। तो मुझे समय चाहिए। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जब मुझे मिनिस्टर बनाए तो उन्होंने कहा कि जहां भी कोई मामला बनता हो, अब देखते हो या वो माइनॉरिटी के लोग हो, SC ST के लोग हो, या गरीब भाई अपर कास्ट के लोग हो, कोई मुसीबत परेशानी हो, आप खड़े होइए उसके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूं, मेरे नेता ने कहा। मैं अपने नेता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जब मैं पटना से चला तो यहां आने के बाद भोजपुर जो नौजवानों ने हर्षोल्लास के साथ हम सबका स्वागत किया, मैं नौजवानों को सलाम करना चाहता हूं, जिससे उत्साह होकर उन्होंने जो मोहब्बत का पैगाम दिया, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भाषण देते रहेंगे हम लोग, लेकिन आप नौजवान हैं, अपने मंजिल को पहचानिए, करना क्या है उस मंजिल को पहचानिए और मंजिल के मुताबिक कड़ा कड़ा मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर वो मंजिल आपका पैर चूमेंगी, पर कठिन परिश्रम करना होगा। कुछ चंद लोग कहते हैं हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप जरा अपने बुजुर्गों को देखिए, अपने महापुरुषों को देखिए, जब लोग आगे बढ़ते थे कितनी कठिनाइयां रहती थी, कितनी आगे रोड़े थे, कितने कांटे थे, लेकिन उन्होंने कड़ा मेहनत किया, उस कांटे को ऐसे चलने पांव से ऐसे कुचल दिए, लगा कि कांटा नहीं वो फूल है, वो आगे बढ़ते गए, वो कामयाब हुए, जिसका हम लोग तरोताजा हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं उनके नामों पर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं उसी के साथ कि आज जितने बच्चे हमारे हैं, जो गार्जियन बैठे हैं, जो बच्चे हैं, सुन लें, एजुकेशन शिक्षा की जरूरत है हमें, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में लापरवाही करते हैं। मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं, मैं आपके यहां भाषण नहीं देने आया हूं, क्योंकि आपसे मैं बड़ा हूं, बच्चों का गार्जियन हूं, मैं कहना चाहता हूं इल्म की जरूरत है। हमारे कुरान शरीफ में
शुरुआत में ही इकरा से शुरू हुआ है। नदीम भाई, इकरा का मतलब इल्म। किसी भी हाल में आप रहें, शिक्षा लें। बहुत परेशानियां कहीं कहीं हैं, मैं जानता हूं, लेकिन परेशानियों को झेल के भी अगर शिक्षा काल नहीं लेंगे तो कहीं कामयाब नहीं होंगे। शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा के लिए कोई भी कठिनाई करना हो उसको झेलना पड़ेगा। इसी के साथ, चूंकि हमारे नौजवान साथी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस अनुशासित अनुशासन में रहकर आपने तमाम कलाम सुने, ये बहुत कम मिलता है। नदीम भाई, हम लोग बहुत देखे हैं, इतनी भीड़ में तो हंगामा हो जाता है। यहाँ बैठे तमाम सुरक्षा कर्मी भी जो हमारे प्रेस मीडिया के हैं, उनके भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़े, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं जो थाने से आए हुए हैं, ये लोगों ने भी बड़े, मैंने देखा अदब से सबको बैठाना उठाना कर रहे थे। मैं ये बीच में कहकर जाना चाहता हूँ कि जमा खा का जब जरूरत हो, ये लगे कि जमा की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर मैं आप लिए खड़ा रहूंगा। आज जो होदा मिला है आप लोगों दुआओं से मिला है, जहां याद करिएगा मैं आपके साथ हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नीतीश कुमार।